अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम, ले अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम। मैं दो के ले चली बाबा लौटने पर। अच्छा बेटा, ले अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम, ले अल्लाह का नाम कौड़ी लगे ना दाम। आज कितने केले बेचे बाबा? आगे मेरे दादा, आज जरा देर हो गई, माफ करना। रोटी के पैसे तो शाम तक ही निकल आए थे, राह देख रहा था तुम्हारी कि मेरे दादा को चक्कर ना पड़े। ये रहे तुम्हारे केलों के दाम, और टोकरी दे दो मुझे, जिसके केले उसी की टोकरी। ये केले गरीब बच्चों बांट। अल्लाह घड़ी भर के लिए आंखें दे दे, मैं अपने दादा की सूरत तो देख लूं। आओ बाबा घर ले चलो, सकीना राह देख रही होगी, फिर तो नहीं बुखार हुआ उसे? अब तो अल्लाह का फजल है, मगर ये रोज रोज बुखार क्यों आ जाता है? मैंने तुम्हें कई बार कहा बाबा, एक दफा डॉक्टर को दिखाने दो, मगर तुम हो कि अपनी इज्जत पे अड़े हुए। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, बच्ची अच्छी हो जाएगी। सकीना हमारा गेंद दो, फिर तो ना फेंकोगे मेरे खिलौनों में? नहीं बाबा की बेटी हमारी क्या हुई भला? बहन। बाबा उसे पकड़ना जरा। बहन बुखार से उठ के फौरन ही मेहनत शुरू कर दे, ये भाई से नहीं देखा जाता। आप ही कहते हैं बेकार मत बैठो, आप खफा हो जाते हैं, बताइए अब मैं क्या करूं? मेरा मतलब है दो दिन आराम करना था। खैर, अरे ये कौन है? मथुरा की धोबन। धोबन बहुत अच्छी बनाई तुमने, तुमने बनाई है ना? बहुत अच्छी। तो और ये कौन साहब है? शक्ल तो नथु तेली जैसी। हाँ हाँ वही है। तुमने बनाया है ना? जी हाँ। बहुत अच्छा बनाया, बैल भी अच्छा है, तगड़ा है। और ये कोलू तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अजी ये क्या है? अंदर चल कर देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या बनाए हैं। हाँ। चलिए भैया। आओ। बैठो भैया। अच्छा ये आपके खिलौने। आहा घोड़ा, वाह बे घोड़ा, बहुत अच्छा। और ये कुत्ता, कान कितने लंबे हैं इसके, हैं? बहुत अच्छा। ये तो रीछ मालूम होता है। रीछ नहीं, भालू। भालू, वाह रे मिस्टर भालू, वाह। और ये कौवा, और ये काय काय करने वाला, ये भी बहुत अच्छा है। ये सब तुमने बनाए? तुम किसी कारीगर से कम थोड़ा ही हो। 5 रुपए, 10 रुपए में हम इनको नुमाइश वालों के पास बेचेंगे, 5 तुम कमाओ, 5 हम कमाते हैं। ये नुमाइश वाले इन खिलौनों को क्या करते हैं? बच्चों का दिल बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि वो मेहनती बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। तूने कुछ खाया है प्रेम, या भूख हड़ताल कर रखी है भैया के लिए? भैया आ जाए तो फिर खाएंगे। ठीक, बाय भी। और तू नन्ने? मैं इन दो भैया का चाय खाऊंगा। घर की रानी सबकी सेहत बिगाड़ रही है। मैं बिगाड़ रही हूँ? जी हाँ, इंदर को पुचकारा करो और हमें आंखें दिखाया करो। बच्चों के लिए बाप की नसीहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी माँ की ममता। आने दो, देखो करता हूँ बराबर के नहीं। भाग जा भैया, भाग जा, पिताजी तुझे बलाबल करेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है नलने, हम बलाबल हो जाएंगे। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माताजी। जीते रहो बेटा। नलने ये ले अपना बाजा। भैया मेरे लिए? तुम्हारे लिए ये फुक्के, और प्रेम ये लो अपने खिलौने। मालूम होता है पिताजी को आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्यों हो गए आप, बोलिए ना। ऐसा दिल कहां से लाऊं
आखिर मेरा भी तो बेटा है ना। समझ गया, अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है। चलिए खाना खाइए। चलो प्रेम, नन्हे मुन्ने। तो चाची जी। जीते रहो बेटा। आइए खाना खाइए, कभी हमारे साथ भी तो खाया कीजिए। तुम सब खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। ये इतने अच्छे अच्छे खिलौने आप रोज रोज कहाँ से लाते हैं भैया? मेरे एक दोस्त की बेटी बनाती। कितनी बड़ी है वो? बस इतनी ही जितने की तुम। बस इतनी है और इस कदर मेहनत करती है? क्या उसके पिता नहीं है? तो सही, फिर क्यों मेहनत करती है? रोटी कमाने के लिए। क्या उसके पिता उसे रोटी नहीं देते? बहुत बुरे हैं वो। बुरे नहीं प्रेम, गरीब है। गरीबों के घर में रोटी नहीं होती? होती है और नहीं भी। होती है तो इतनी कि पेट नहीं भरता। सब गरीबों के बच्चे रोटी कमाने के लिए इसी तरह मजदूरी करते हैं? गरीब का बच्चा अभी घुटनों के बल चलने भी नहीं पाता तो उसे पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। जब बैठो, भूखे नंगे कंगाल और यतीमों की कहानियां शुरू हो जाती हैं। इसे देखो और आज से सब कहानियां भूल जाओ बेटा। कौन श्रीमती है ये? भैया ये हमारी भाभी है। तुम्हारी चच्ची तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लाई है। यही कि मैं किस लिए हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ इतना कहा है कि आप तशरीफ लाए। कल रात मुझे बताया गया है कि मेरी शादी आपकी लड़की से करार पाई है। जी क्या मैं उससे चंद बातें कर सकता हूँ? जी नहीं, आप भूलते हैं शादी से पहले आप इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रख सकते। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। शादी आपकी लड़की से, कहूँ आपसे, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आती। आप कैसे जान सकते हैं कि मैं आपकी लड़की को सुखी रखूंगा? अच्छी लड़कियां हमेशा सुखी रहती हैं। अगर मैं उसे पसंद ना आया तो? रूपा आप दुनिया को मेरी आंखों से देखती आई है और कल तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखेगी। हमारी लड़कियां आंखें रखते हुए भी आंखों से काम लेना नहीं जानती। अगर कहीं ठोकर लग जाए तो कसूर इन आंखों का होगा। तो क्या दो मिनट के लिए भी उससे बात नहीं कर सकता? शादी से पहले नहीं। ठहरिए, जरा गौर कीजिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ एक पढ़े लिखे नौजवान के दिल में ऐसे मौके पर क्या क्या गुजर सकता है, मगर भूलो नहीं तालीम एक ऐसी रोशनी है जिसके उजाले में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा, ओम रिं तत्क्री अग्ने स्वाहा, ओम भों फट फटक्री अग्ने स्वाहा। अब उठो, अर्र, अब उठो, फेरा फिरो, अर्र, ऐसे नहीं, जरा लचका के, जरा बल खा के, जरा मटका के, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, हो बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, हौलदार के संग को थानेदार के संग, हौलदार के संग को थानेदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग। कमान तेरी पलके तेरी भाले हैं, भौवे हैं कमान तेरी पलके तेरी भाले हैं, सुनते हैं सैया तेरे बड़े दिल वाले हैं, सुनते हैं सैया तेरे बड़े दिल वाले हैं, पल भर में सुलह होगी पल भर में जंग, पल भर में सुलह होगी पल भर में जंग, बियाही मोरी रानी बियाही मोरी तोरी, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग।
छोरी ससुराल जाएगी, सैया के दिल पे अपना सिक्का जमाएगी, सैया के दिल पे अपना सिक्का जमाएगी, ये दिल को लुभाने वाले तेरे सारे ढंग, ये दिल को लुभाने वाले तेरे सारे ढंग, बिया ही मोरी रानी, बिया ही मोरी गोरी, बिया ही मोरी दुनिया, बिया ही मोरी बन्नो, बिया ही मोरी रानी हजार के संग। आज तू एक नई दुनिया में कदम रख रही हो, पुराना संसार बहुत पीछे छोड़ आई हो। गुणवती, इस नई दुनिया को अपने प्यार से आबाद करना, प्यार के कच्चे धागों से भगवान को भी बांध देते हैं, तुम भी अपने देवता को प्रेम से बांध लेना बेटी। अंदर आ सकता हूँ? नहीं, अजी कुछ कहिए तो, जान पड़ता है हमारा यहाँ आना आपको पसंद नहीं, तो लीजिए हम चले। चेहरा जैसे चौदमी का चांद, आंखें जैसे मदिरा के प्याले, जी चाहता है कि इनमें डूब डूब जाऊं। मैंने कहा आप बोलना नहीं जानते। अजी ये रूप खामोश क्यों है? मालूम होता है हम दिल तक पहुंचने से पहले ही नजरों से गिर गए। कितने बुरे हैं हम। आप बुरे? कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे देवता हैं, देवता। देवता? मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। हाँ, हो सके तो चुल्लू भर वो शराब उंडेल दो जो तुम्हारी इन आंखों में छलकती है, और थोड़ी सी वो आग दे दो दुनिया जिसे कहती है मोहब्बत। ले अल्लाह का नाम, कौड़ी लगे ना दाम। ले अल्लाह। कितने के लिए बेचे आज बाबा? आ गए मेरे दाता, सब खत्म हो गए। हाँ, सुना है चांद जैसी दुल्हन लाए हम, तुम्हारी दुआ है बाबा। अल्लाह मेरे इंदर को सूरज जैसा बेटा दे। आओ तुम्हें घर तक छोड़ा हूँ। अब नहीं इंदर, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो क्यों? इसलिए कि घर में दुल्हन तुम्हारी राह देख रही होगी। तो क्या हुआ? नहीं, मैं अपने बेटे का हक नहीं छीन सकता। इंदर अब तक नहीं आया, कब तक उसका इंतजार करोगी? उठो बेटी, खाना खा लो। भूख नहीं लगी अभी। मुझे तो ऐसी भूख लगी है कि पेटी नहीं भरता है आज। जब से सकीना ने तुम्हारी शादी का सुना है, हर रोज खाना पका के रखती है, कहती है कि भैया आएंगे तो दावत दूंगी उन्हें। बड़ा मजे का पक्का है खाना। सूखी रोटी तो हलक से भी ना उतरती होगी। उंगलियां चबा रहा हूँ, इतना अच्छा खाना बनाया मेरी बहन ने। झूठी तारीफ कोई मेरे भैया से सीखे। तो क्या उस शाल की तारीफ भी झूठी ही करेंगे? शाल? कौन सा शाल? सकीना कहाँ है वो शाल? बाबा यूँ ही कह रहे हैं। ये अभी अभी तुमने पीछे क्या छुपाया? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है। काजू थी या कुछ नहीं? अच्छा, तो हम जबरदस्ती देखेंगे। मैं नहीं दिखाऊंगी। कैसे नहीं दिखाओगी शरीफ कहीं की? दिखा मुझे वो शाल। मेरे पास कुछ नहीं। मैं देख के छोड़ूंगा। मेरे पास कुछ नहीं। दिखा शरीफ कहीं की? देखिए कहाँ? जल्दी कर, दिखा। वाह वाह, कितना खूबसूरत शाल है ये। सकीना, ये तुमने बनाया है? और अपना नाम भी कितना खूबसूरत बनाया है इस पर। इसके दाम तो मैं नहीं दे सकता, मगर ये आपके लिए थोड़ा है जो दाम चुकाने की सूझी। तो फिर किसके लिए है ये? मेरी भाभी के लिए। ओ, दो तो इसके दाम मैं जरूर दूंगा। भैया, हमारी गरीबी आपको हमारे जज्बात पांव तले रौनने का हक नहीं देती। क्या आपने अमीर रिश्तेदारों से भाभी के लिए तोहफे कबूल नहीं किए थे? उन सब के दान चुकाए थे आपने? जो अपने गरीब सकीना को शाल की कीमत पेश कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? पापा। सकीना, सकीना बेटी,
तुम्हें इंद्र भैया से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम जानती हो कि उन्हें गरीबों और खासकर तुमसे कितनी मोहब्बत है। जाओ भैया से माफी मांगो। नहीं बाबा, मुझे मांगनी चाहिए, गलती मेरी ही थी। सकीना बहन मुझे माफ कर दो। मैं अभी ये शाल जाकर तुम्हारी भाभी को देता हूँ, कह दूंगा कि मेरी सकीना का तोहफा है। अब तुम मुस्करा दो, हंसो। हमारे आते ही चांद बदली में क्यों छुप गया? बदली से छन छन कर आने वाली चांदनी आपको पसंद नहीं? लेकिन हमसे ये पर्दा क्यों? मैंने कहा लाज की पुतली, कभी रंगीली दुल्हन भी बनोगी। क्यों, क्या हुआ? रामू गुजर रहा था। ओह, अच्छा, मेरे साथ आओ। कहाँ? मेरे कमरे में, मैंने तुमसे बहुत कुछ कहना है। आप चलिए, मैं आती हूँ। चीज है और मेरी खुशी? पर उनके होते मैं कैसे चली आती? मैं कैसे चली आती? उनकी निगाहों ने तुम्हारी तो नहीं डाल दी थी। मगर मैं कैसे आ जाती, कुछ सोचिए तो। जानता हूँ आपके मुंह पर शर्म और खाबिंद एक बेकार पत्थर, जिस पर सिर्फ पूजा के फूल ही कराए जाते हैं। यहाँ एक अंधा केले बेचा करता था, आज नहीं आया वो? आया था, तो कह गया है कि जब आप आए तो कह दूं कि आपकी सकीना बहुत बीमार है, वो आपको बहुत याद करती। आप बोलना नहीं जानते? अजी, ये रूप खामोश क्यों है? मालूम होता है हम दिल तक पहुंचने से पहले ही नजरों से गिर। ये शाल तो बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए लाए हैं? मैं पूछ रही हूँ, ये कीमती शाल क्या मेरे लिए लाए हैं? ये शाल उसके लिए है जो उसके जज्बात की कदर कर सके। तो कौन है वो खुश नसीब जिसको ये कीमती तोहफा दिया जाएगा? कोई भी हो, इससे आपको क्या? दीजिए मुझे ये शाल। हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये किसके लिए शाल लाया गया है। एक बार कह जो चुका हूँ। अच्छा, तो मैं अब समझी। क्या समझी? कि रात के 2-2 बजे तक आपको हमसे कौन सी चीज दूर रख रही है? कौन सी चीज? कोई ऐसी वैसी औरत जो अपने आप को इस जलील शाल के लिए बेच सकती है। आप समझते हैं मेरी आंखें नहीं? मैं सब कुछ जानती हूँ, कहाँ से ये शाल आया है और किस चीज काम के लिए। लीजिए ये अपनी अय्याशी का सामान। इंद्र बाबू सो तो नहीं गए? वो कह रहा था सकीना आपको याद कर रही है, जल्दी आइए।
अभी तो आ रहा हूँ सकीना के घर से, तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो फिर बुलाया है। और कुछ कहा था उसने? मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप जिस हालत में हो फौरन चले आए, सकीना बहुत बेचैन है। अच्छा चलो। सकीना 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 बेटी, देखो इंद्र भैया आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। सकीना मैं आ गया हूँ, तुम कैसी हो? बोलती क्यों नहीं बाबा, क्या सो रही है? नहीं नहीं, अभी अभी आप ही को याद कर रही थी, हरारत कुछ ज्यादा हो गई है। सकीना 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 इंद्र भैया। अच्छी तो हो मेरी बहन। हाँ हाँ, वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कितना अच्छा साल है, सकीना बहुत सियानी लड़की है, मैं उसे जरूर मिलूंगी, उसे घर ले आना, चलोगी ना? क्यों नहीं, मगर अच्छी हो जाऊं तो। नहीं नहीं, वो कहती थी कि अभी ले आना, सकीना की देखभाल मैं खुद करूंगी। बाबा पीछे अकेले होंगे, मैं ना जाऊंगी। नहीं नहीं जाओ बेटा, इंद्र भैया ठीक कहते हैं, वहां पर तुम्हारी देखभाल अच्छी होगी और मैं भी तुम्हें देखने वहां हर रोज आऊंगा। जाओ बेटा। इंद्र भैया ठीक कहते हैं ना, जाओ ना बेटी। नमस्ते इंद्र बाबू। नमस्ते, आज मैं तुम्हें उठा लूं? नहीं, मैं चलकर ही जाऊंगी। तुम बीमार हो बेटी, उठा के ले जाने दो इन्हें। अंदर ले जाना है इन्हें, मैं उठा लेता हूँ बाबूजी। हाँ उठाओ। मेरे एक दोस्त की लड़की है, बेचारी बहुत बीमार है, मैं डॉक्टर को टेलीफोन करने जाता हूँ, आप जरा उसका ख्याल रखें। कौन हो तुम? मैं लड़की हूँ जी। ये तो मैं भी देख रही हूँ, किसकी लड़की हो? अपने बाप की। और ये औरत जो अभी नीचे तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी चची। चची? उसे नीचे छोड़कर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? इधर भैया लाए हैं मुझे। भैया? सब यूं ही कहा करते हैं। ये तुम्हारे दूल्हे भैया और नौजवान चची का क्या रिश्ता है? इंद्र भैया हम सब के भाई हैं। आपका मतलब? बच्ची हो ना, समझती नहीं, खूब समझा पढ़ा कर लाई गई हो ताकि तुम्हारे इंद्र भैया और चची की बच्चलनी का भेद न खुल जाए। मेरे भैया को बच्चलन कहने वाली तुरलन होती हो, तुम खुद बच्चलन होगी। रूपा! भैया भैया मुझे पापी के पास ले चलो, तुम कहते थे ना कि मेरी अच्छी तरह देखभाल करेंगी। कौन है ये लड़की, क्यों लाई गई है यहाँ? बोल क्यों नहीं? इसलिए कि आपका रात के दो दो बजे तक गायब रहने का राज खुल गया। मैं अंधी नहीं हूँ, आपकी अय्याशी का सबूत मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। दूसरों की आंखों में धूल डालने की आप लाख कोशिश करें, लेकिन पूरी बात कभी नहीं छुपती, कभी नहीं छुपती। कब अच्छा होगा मेरा लाल? ईश्वर ही जानता है,
करमजन का मकान कौन सा है? यह है बाबा। सुना है उनके बेटे इंदर की तबीयत 3 माह से खराब है। हाँ, सुबह से बहुत डॉक्टर आ चुके हैं। बहुत डॉक्टर आ चुके हैं? बुखार अभी तक नहीं टूटा, न जाने कहाँ से बीमारी खरीद लाए हैं। इन्हें कोई सदमा तो नहीं पहुँचा रहा बहादुर, जिसका गम दिल पर बैठ गया हो? घर में तो सब इंदर की हवा को चूमते हैं डॉक्टर साहब। ईश्वरी जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है, भगवान उसे तंदुरुस्त कर दे। मंदिरों पे चढ़ावे चढ़ाऊंगी। उन्हें फौरन पहाड़ भेज दीजिए। जैसा आप कहें डॉक्टर साहब, मैं आज ही इन्हें पहाड़ भेजने का इंतजाम किए देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा जी, मेरे बेटे इंदर की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं बाबा। आप मेरे बेटे की माँ हैं? नहीं। तब तो आप मेरी बहू हैं। बहू रानी, मेरे बेटे इंदर से कहो कि अंधा बाबा मिलने आया है। वो किसी से नहीं मिलते बाबा। किसी से नहीं मिलते? मुझसे भी नहीं? नहीं। अच्छा बाबा, उनसे कुछ कहना है तो मैं कहने की कोशिश करूंगी। हो सके तो कह देना कि अंधा बाबा कहता था कि तुम्हारी नन्ही सी बहन सकीना मर गई है। सकीना के बाद उसकी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो बेटा। अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त करे। सकीना की आखिरी दुआ तुम्हारी सेहत और बहुरानी के लिए थी। बख्शेगा
और मेरी बहू रानी का स्वास्थ्य कायम रहेगा। दोस्त आया है, कहता है कि आपकी नन्ही बहन सकीना मर गई है, उसकी आखिरी दुआ आपकी सेहत और आपकी बीवी की खुशी के लिए थी। मैं नादान थी, मुझसे भूल हुई, एक मासूम बच्ची का खून मैंने किया है, मेरे पति का खून मुझसे न कराओ, क्षमा करो भगवान, मुझे भागन पर तरस खाओ, मैं पापन हूँ पापन। आज भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा और ना ही कोई बात की। सब्र करो बेटी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। Oh.
क्या देख रही है गोपी? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। उठ 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 उठ। गोपी अब तो बहुत बड़ी हो गई है, जमीन के काम में कुछ इससे हाथ नहीं बटाते। इतने से को पाला मैंने उसे, और तुम कहते हो जमीन के काम में क्यों नहीं लगाते? अभी इन हाथों में हल चलाने की बड़ी ताकत है। वो तो मेरी आंख का नूर है नूर। क्या गोपी? दवा पी लीजिए। मैंने कहा दवा पी लीजिए। आज भी तुम्हारे हाथ से दवा नहीं ली और ना ही कोई बात की और तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, घबराओ नहीं। घबराओ कैसे नहीं चाची, आज 2 महीने पहाड़ पर आए हो गए, ना मुझसे बात करते हैं, ना मेरे हाथ का खाते हैं और ना ही मुझे देखना पसंद करते हैं। वही मैं हूँ, वही ये चेहरा है जिसे सुहाग की रात चौधरी का जान कहकर पुकारा था। इसे जरा देखो तो चाची, कहीं इसमें कलंक तो नहीं लग गया? धीरे धरो बेटी, आंसू पोंछ डालो, शहर को जाना होगा। वो आ गए, जाओ बेटी। पागल है पागल। जी मैं हूँ पागल। तुम नहीं, वो लड़की, वो आज 2 महीने से देख रहा हूँ, जब देखो पहाड़ की तरफ टिकटिक लाए देखती रहती। मैं पूछूं उससे? नहीं, मैं खुद जाता हूँ। कि उस ऊंचे पर्वत की आड़ में भगवान ने क्या चीज छुपा रखी है? कोई खास चीज नहीं, कुछ तो जरूर होगा। पर्वत की रानी, तुम्हें क्या लेना है इससे? क्यों? शायद भगवान ये नहीं चाहते कि इस खूबसूरत देश के लोग उसे दिखें। आप जानते हैं क्या है? हाँ तो मुझे बताइए ना, मैं तो बचपन से उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बताइए। उसके पीछे है शहर की दुनिया। शहर की दुनिया? हाँ, बड़े बड़े शहर जहाँ अमीर गरीबों के खून से होली खेलते हैं, बच्चे माँ बाप के सीने पर मूंग दलते हैं, जहाँ इंसानियत की चीखें सोने और चांदी की झंकार में दबकर रह जाती हैं, जहाँ मजहब की आड़ में नफरत और फूट के सबक पढ़ाए जाते हैं, जहाँ आजकल की तहजीब ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला है, पाप कपट और फरेब ने हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को आ घेरा है। शुक्र है कि तुम उन सबसे दूर हो और कुदरत के इन खूबसूरत नजारों में मुस्कुराती हो। और कुछ बताऊं? नहीं नहीं, मैं उस दुनिया को ना देखूंगी। भैया, तुम्हें मालूम है उस पहाड़ के पीछे क्या है? भैया मैं पूछती हूँ, उस पहाड़ के पीछे क्या है? नहीं बताता। बताओ ना। फिर वैसे भैया उस पहाड़ के पीछे। ओह, आपने ठीक कहा था, भैया भी यही कहते हैं, मैं ना देखूंगी उन शहरों को। नमस्ते। नमस्ते। आप उस हमारी पासी कोठी में रहते हैं ना? जी हाँ। मैंने कई दफा सोचा कि आपके पास जाकर पूछूं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। और एक दफा जब मैं आपकी तरफ फूल लेकर आ रही थी
तो मुझे रोक दिया था। जब जी चाहे आ जाया करो बहन, और फूल लेकर जरूर आना, इन्हें फूल बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गोपी, तू अभी इन लोगों से बातें कर रही थी, तू क्या इन्हें जानती है? बस इतना जानती हूँ कि वो हमारे उस पास वाली कोठी में ठहरे हुए हैं। मेरा ख्याल है ये लोग कुछ दौलतमंद नजर आते हैं। हमें क्या लेना है पराई दौलत से? नहीं, लेना वेना तो कुछ नहीं, मगर मैं सोच रहा था कि उनसे जाकर पूछता कि हमारी हवेली में आकर रहें। तू तो जानती है हम अपनी आधी हवेली हर साल किराए पे देते हैं। हाँ, बस मगर क्यों? तो इसीलिए ना, तेरी भाभी के बच्चे की रीत होने वाली है और सारे गाँव की दावत कर रखी है, आखिर रुपए की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्या हमारे पास रुपए नहीं? हम गरीब हैं क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है गोपी, वो तो ईश्वर की दया है, सब कुछ हमारे पास है, मगर घर की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि मैं तुझे नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताते? नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा। अब बताओ भैया। नहीं देखो गोपी, चिंता मत करो भैया, मैं तो पूछ कर ही रहूंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, वो जब तेरी भाभी की शादी हुई थी ना, तो मैंने कुछ साहूकार से रुपया उठा लिया था, सोचा था कि बस एक दो दिन में अदा कर दूंगा, मगर वो दिन पे दिन सूद चढ़ता ही गया, रकम भी बढ़ती गई। आज मैं उसके पास गया, बोला कि आज से हुई फसल गिरवी रख दो। अच्छा, तो तुम उनसे रुपए मांगना चाहते हो? बावली कहेंगे, अरे कोई मांगने से रुपया देता है? मैं तो ये चाहता हूँ कि वो हमारे मकान में रहें और मुझे किराया दें, बस। तो ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि वो हमारे घर में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुद कहूँगा। भैया तुम काम करो, मैं तो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गोपी गोपी तू सुन, भाई सुन, उनसे ये मत कह दे हमें रुपए की जरूरत है। अच्छा नहीं कहूंगी, बस। बावली बावली रे। चाची, आज उन्होंने मुझसे बातें की, थोड़ी नहीं बहुत। हे भगवान, मैं कितनी खुश हूँ आज। नाश्ता तो नहीं किया उन्होंने अभी? नहीं, तुम जाओ, मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। इंदर बेटा, नाश्ता तैयार है। हा? नाश्ता तैयार है। ओ। अंदर चली आई, आपने कहा था ना कि जब चाहूं चली आऊं, मैं आ गई। अच्छा किया तुम चली आई, हमें बहुत खुशी है। बैठो रानी। जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करने आई हूँ। कहो क्या बात है? ये कि आप लोग हमारे घर चल कर रहे हैं। ये भी तो तुम्हारा ही घर है रानी। वो कैसे? हमारा घर तो वो है जहाँ हम रहते हैं। शुक्रिया, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी, मुफ्त थोड़ा ही रहेंगे आप। मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। कौन सी पहेली कह दी है मैंने? बंगला छोड़ दो और हमारी हवेली में आ जाओ। ओ, लेकिन ये बंगला तो हमने साल भर के लिए किराए पे ले रखा है। तो फिर क्या हुआ? भैया कहते हैं आप बहुत दौलतमंद हैं, कंजूस ना बनो, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर हमारे लिए तो। कहो बहन, रुक क्यों गई? ना ना ना, मैं ना कहूँगी, घर की बातें कोई दूसरों से थोड़े ही किया करते हैं। भैया ने मना किया है कि उनसे ना कहना कि हमें रुपयों की जरूरत है, कोई बैल बिकेगा तब गुजारा होगा। आज मेरी भाभी की रीते हैं, तमाम गाँव को खाने पर बुलाया है, साहूकार ने कर्जा देने से इनकार कर दिया है, कहता है आती फसल अभी से गिरवी रख दो। आप ही बताइए, फसल गिरवी रख देंगे तो खाएंगे क्या? तो क्या हमारे वहाँ जाने से तुम्हें उधार मिल जाएगा? फिर उधार कहो के लेना, यहाँ कोठी का किराया देते हो, वहाँ कमरों का देना, यहाँ अपना खाते हो, वहाँ हमारा खाना और पैसे चुकाना, समझे? का कहना कौन सा हजारों का खर्च होगा? तो
क्या नाम है तुम्हारा रानी? मेरा नाम गोपी। अच्छा गोपी तो हम चलेंगे। कितने अच्छे हैं आप, ईश्वर आपकी बड़ी जिंदगी करे। जी चाहता है आपका मुंह चूम लो। जल्दी कीजिए, देर हो रही है, सामान बांधिए ना। जल्दी क्या है गोपी, कल हम भी आ जाएंगे और सामान भी पहुंच जाएगा। अच्छा तो फिर आज रात को भाभी की रीतों के जल से मैं जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा। आप भी आइएगा। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। रोटी खिला देना और हमारे भतीजे के लिए कुछ खिलौने, चांदी का गिलास और एक चमचा खरीद लेना। भतीजे को होने तो दो, फिर जो मर्जी है वो करना। तो उसमें कसर ही बाकी क्या है, 15 दिन और सही, उसके बाद में हमारी भाभी की गोद में एक 14वें का चांद उतर आएगा। आपके मुंह में घी और शक्कर, बड़े दयालु इंद्र बाबू। लीजिए ये रुपए। रहने दीजिए रुपए। लीजिए ना। रहने दीजिए ना। किशन भैया को तुम मेरी मुनीम हो क्या? नहीं बताते जाओ। भिखारी समझ रखा है तुमने हम लोगों को। तुम्हारा धन तुम्हें मुबारक। हम गरीब सही लेकिन भिक्षा नहीं लेना चाहते किसी से। अरे पगली, वो रुपए तो मैंने मिठाई के लिए दिए हैं। मिठाई कैसी? तू बच्ची है, तू क्या जाने इन बातों को। बच्ची हूँ मैं, उम्र में तुम्हारी बहन से कम सही, मगर बातों में नहीं। गोपी, कहते थे आपने गांव में हमारी लाज रख ली। किशन भैया बहुत भले आदमी हैं। और मैं बुरी हूँ, मैं ना बोलूंगी। कौन कहता है तुम बुरी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। और ये फूलों से लदी हुई कहाँ जा रही हो? ये फूल आपकी बहन के लिए लाई हूँ। मेरी बहन कौन? वही जो हर रोज आपके साथ शहर को जाती। अरे पगली, वो तो मेरी बीवी है। बीवी? अरे राम। क्या कर रहे हो गोपी, फूल को मत तोड़ो। ये फूल तो मैं आपकी बीवी की चोटी के लिए जरूर तोड़ूंगी। मैं कहता हूँ गिर जाओगी, मत तोड़ो, मत आगे बढ़ो। गिर कैसे जाऊंगी, हर रोज तो यहीं से फूल तोड़ा करती हूँ मैं। गिर कैसे जाऊंगी, मैंने कहता था गिर जाओगी। आप ही की नजर लगी है, आगे तो कभी नहीं गिरी मैं। पानी में गिरकर इतनी अच्छी पोशाक खराब कर ली, अब क्या कहेंगे तुम्हारे भैया? दूसरी बनवा देंगे, कह दूंगी आपने गिराया है। ओ, तो फिर नई पोशाक मुझे ही बनवा कर देनी पड़ेगी। वो क्यों? ओह आप देखो ना, इन्हों जो पानी में गिरा दिया, बहुत वो हैं। मैं आपकी चोटी के लिए फूल तोड़ने लगी, मुझे बातों में लगा लिया और मैं गिर गई। अब कहते हैं कपड़े खराब हो गए हैं, भैया क्या कहेंगे। कह जो रहे हैं कि दूसरी पोशाक बनवा देंगे। ये क्यों बनवा देंगे जी, जीते रहे हमारे भैया, और सूरिन का जुर्माना भैया का। गोपी है, गोपी। आई भैया। अपने फूल, हाथों के गजरे, गले का कंठा और चोटी के फूल, उसके लिए तो मैं गिरी गई। तुमने पुकारा था भैया? हाँ, मगर तूने ये कपड़ों की क्या रखी है, कहीं गिर गई थी क्या? गिरी नहीं, गिराई गई थी। वो क्यों? मैं इंद्र बाबू की बीवी के लिए फूल तोड़ रही थी, उन्होंने मुझे बातों में लगा लिया, कहने लगे गिर जाओगी। मैंने कहा नहीं गिरूंगी और गिर गई। इस पर वो छेड़ने लगे। कौन?
इंद्र बाबू, क्या कहा उसने? यही कि कपड़े खराब हो गए हैं, किशन भैया क्या कहेंगे? मैंने कहा वो दूसरे बनवा देंगे। हाँ जरूर बनवा देंगे, मगर वो कहते हैं हम बनवा देंगे। वो क्यों? इसलिए कि पानी में उन्होंने मुझे गिराया है। ओ, ये बात है। किशन भैया, हाँ। इंद्र बाबू के साथ जो औरत है, हाँ। मैं उसे उनकी बहन समझती थी, मगर वो तो उनकी बीवी निकली। तुझे अब पता लगा? हाँ। पकड़ी कहीं की। ये रही आपकी चाय, मैं बना दूं या आपकी बहन को बुला लाऊं? मैंने तुम्हें कई बार कहा कि वो मेरी बहन नहीं, बीवी है। मैं भी कैसी पली हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ कि वो आपकी बीवी नहीं बहन है। फिर वो ये गलती। पगली की पगली रही मैं तो। ओ, आप, ये रहे आपके फूल, और आज चोटी नहीं भूली मैं, और पानी में भी नहीं गिरी। पहले दवा पी लीजिए, बाद में चाय पीजिएगा। दवा कैसी? इनकी सेहत ठीक नहीं है, तो लाइए मैं पिला दूं, ठीक हो जाएंगे। गोपी, ओ आप, मैं आप ही के कमरे में जा रही थी। ये रहे आपके फूल, ये चोटी और ये कंचा। गोपी, आज भी तुम उन्हें अपने हाथ से दवा खिला दो, उनकी सेहत अच्छी हो रही है। अच्छा, दवा पी लीजिए। उठिए अब सैर को चले। भैया, इंद्र बाबू की सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। अरे पगली, तू उन्हें वहाँ अपने वो गंदक के चश्मे पे क्यों ले जाती? वहाँ का पानी तो हर रोग को दूर कर देता है। हाँ, आज कहूंगी उनसे जाकर। आज कहूंगी पगली कहीं की। देखा, जब से इंद्र बाबू मेरे साथ सैर को जाने लगी हैं, उनकी सेहत अच्छी होती जा रही है, और दवा भी खुशी खुशी पी लेते हैं। गोपी, तुम उन्हें हर रोज दवा खिलाकर सैर को ले जाया करो, और आप, मेरी यही खुशी है। इंद्र बाबू चलिए ना, आपसे तो चला भी नहीं जाता। तो भाई चल तो रहा हूँ। तो फिर तेज चलिए ना, भागिए। कल चलिएगा। हाँ हाँ चलूंगा। गोपी, गोपी। भैया आई, भैया आई। इसे कहते हैं जिंदगी, पेट भर खाने को नहीं, जिंदगी है कि हंसी और मुस्कुराहटों से भरी हुई। अमीर क्या जिएगा, खाक, जीता वो है जिसे ईश्वर ने बेफिक्री बख्शी हो। जियो गोपी जियो, हमेशा हंसती खेलती रहो। कलियां खिलाए जाए, शबनम के अश्क अपनी हंसी में छिपाए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। मोरे ने तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया है, मोरे ने तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया है, ये कह के राज़े जिंदगी तुझको बता दिया है, ये कह के राज़े जिंदगी तुझको बता दिया है, रोते हुए जहानों में
तू मुस्कुराए जाए, तू मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है, बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है, कोयल की भी हर कूक सुबह शाम यही है, कोयल की भी हर कूक सुबह शाम यही है, तो हंसते हुए फूल तेरे कृष्ण के सदके, ओ हंसते हुए फूल तेरे कृष्ण के सदके, पतझड़ में क्या करे कोई इतना बताए जाए, इतना बताए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। चलिए और ऊपर नजदीक आओ। ये फूल मैं आपके लिए लाई हूं। ये फूल तो तुम्हारी चोटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओ, मैं फल लाना तो आपके लिए भूल ही गई, यहाँ के सेब बहुत अच्छे होते हैं, अभी लाई। रूपा जल्दी आना। चाची क्या है बेटी, मुझे रूपा कहकर बुलाया है और मुझे उसी प्यार भरी निगाह से देखा है जिस निगाह से सुहाग की रात को देखा था। वो हंस रहे थे, तेरा शुक्र है भगवान, आज मैंने उन्हें पा लिया। अभी पिताजी और माताजी को हाथ लिखे देती हूँ। पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी नमस्ते, उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, मिलो शहर को जाते हैं, मेरे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मेरे लिए हर सुबह फूल लाते हैं, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है, आपको मुबारक हो। अरे इंदर की माँ, ओ इंदर की माँ, अरे प्रेम, ओ नन्हे मुन्ने, अरे देखो तो, अरे रूपा का खत आया है, इंदर की सेहत अच्छी हो गई है, वो मीलों शहर को जाता है, हंसता है, खेलता है, अरे तुम्हें मुबारक हो, परमात्मा ने तुम्हारे बेटे की जिंदगी दी है। अरे मेरे भैया की सेहत अच्छी हो गई। बाबा मेरे इंदर भैया की सेहत अच्छी हो गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे इंदर को सेहत बख्शी, मेरी मासूम बच्ची सकीना की आखिरी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह तू बड़ा कारसाज है। सकीना का मासूम चेहरा दिन रात मेरी आंखों के सामने रहता है, मुझे रातों नींद नहीं आती भगवान, मेरी नादानी बख्श तो, तुम दयालु हो भगवान, उन्हें सेहत बख्शी है, मेरी तरफ से उनका दिल भी साफ किया है। ये मैं भी उनसे सकीना के बारे में माफी मांगती हूँ, साफ कह दूंगी कि मुझे हसद ने पागल बना दिया था, मैं जाहिल थी जाहिल। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। नमस्ते। नमस्ते। अभी तक सो रहे हैं क्या? वाह, उठिए साहब उठिए, चाय आ गई। मैंने कहा उठिए, चाय आ गई, चाय हाजिर है। लेकिन ये इतनी सवेरे चाय कैसी? आप भूल गए हैं क्या, आज आपने मेरे साथ चश्मे देखने जाना है। ये रहे आपके फूल,
गजरे, कंठा और ये चोटी। शुक्रिया। बैठो गोपी, चाय पियो। जी नहीं, अब जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए, मैं अभी घोड़े लेकर आती हूँ। रूपा, जल्दी तैयार हो जाओ। ये तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो घोड़े हैं। तो हम भी नहीं जा सकते। आप भी नहीं जाएंगे? तो मुझसे कहा क्यों था? मैं इनके बगैर कहीं नहीं जा सकता। ना जाइए, मेरे भैया भी अपनी बीवी के बगैर कहीं नहीं जाते। मालूम है लोग उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीवी का मिठू। अरे गोपी, और तू चश्मे देखने नहीं गई? नहीं। क्यों, क्या बात हुई? वही बात जो तुम्हारे और भाभी में हुआ करती है। वो क्या होती है? जो वो कहती है तुम करते हो, और जो तुम कहते हो वो नहीं करती। ना जाने शादी के बाद सभी आदमी औरत के मिट्ठू क्यों बन जाते हैं। ओए गोपी, तुम ही कहो भैया, भला इन दो घोड़ों पर तीन आदमी कैसे बिठा कर ले जाती मैं? अरे पगली, इंदर बाबू को नाराज नहीं करने का है, तीसरे घोड़े का इंतजाम हो जाएगा। तुम ही करना, मुझे तो औरत के मिट्ठू जरा भी पसंद नहीं। ओए गोपी, पूरे को तो मुँह कर, और मैं भी पसंद नहीं। तुम तो मेरे भैया हो ना। चश्मे देखा थे, आपकी तबीयत बहल जाती, गोपी भी खुश हो जाती। गोपी भी खुश हो जाती? वो कैसे? देखा नहीं आपने, झट में उतर गया था उसका। ये क्यों? गोपी कह रही थी कि हमारी वजह से घोड़े कहीं और भी ना जा सके, तो आपका नुकसान क्यों हो भैया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हर रोज जल कमाते हैं, अगर एक रोज ना कमाया तो क्या हुआ? गोपी कहाँ है? गोपी इधर ही गई थी घाट पर कपड़े वपड़े लेकर। वो कुछ आपसे नाराज है क्या? नाराज है मुझसे? क्यों? मुझसे कह रही थी कि आप भी बिल्कुल मेरी तरह औरत के मिट्ठू हैं। उस मस्त नजर पे पड़ी जो नजर, कजरे ने कहा मत देखो इधर। मैंने कहा मैं तो देखूंगा, कजरे ने कहा देखो जी मगर, कहीं उलझ ना जाना, कहीं उलझ ना जाना, कहीं उलझ ना जाना, देखो जी कहीं उलझ ना जाना। सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने, सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने, जो बन के द्वार पे जैसे खड़े हो दो मस्ताने, जैसे खड़े हो दो मस्ताने, भरी नजर से देखा किसी ने, भरी नजर से देखा किसी ने, बोले पास नहीं आना कहीं उलझ ना जाना, बोले पास नहीं आना कहीं उलझ ना जाना, देखो जी कहीं उलझ ना जाना। कजरे की डोरी हंसे चोरी चोरी, कजरे की डोरी हंसे चोरी चोरी, जादू नजर का चला के, नजर के सहारे अदाओं से मारे, जुल्फों का जाल बिछा के, नजर के सहारे अदाओं से मारे, जुल्फों का जाल बिछा के, देख के हाथ बढ़ाना कहीं उलझ ना जाना,
देख के हाथ बढ़ाना, कहीं उलझ न जाना, देखो जी कहीं उलझ न जाना। गोपी तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम हमसे नाराज हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गोपी। हम तो आपका नमक खाते हैं, नाराज कैसे हो सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छे खाविंद अपनी बीवी को अकेले छोड़कर दूसरों से बातें नहीं करते। ओ, तो तुम्हें हमारी बीवी पसंद नहीं? बीवी पसंद है, मियाँ पसंद नहीं। आज या कल मियाँ भी पसंद आ जाएंगे। आपसे हमें क्या लेना है? अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि आज शाम को चश्मे दिखाने चलोगी या नहीं? भैया को तीसरे घोड़े का इंतजाम करना होगा। अब तीसरे घोड़े की जरूरत नहीं। क्यों, आपकी बीवी नहीं चलेंगी क्या? रूपा जरा घोड़े की सवारी से घबराती है। सुबह ये घबराहट नहीं थी उन्हें? मुझे ख्याल नहीं आया। अच्छा चलेंगे। हाँ गोपी, शाम को चश्मे देखने जाना भूलना जाना। किशन भैया क्या कहेंगे दिल में? उनको पता ही क्यों देंगे हम, दिन ढलने से पहले तो हम लौट ही आएंगे। अरे कुछ सुना तूने, देखा तूने? खुशगवार नजारा। झूठ थोड़ा ही कहा था मैंने। आओ यहाँ रुक जाएं जरा। क्यों? ये जगह मुझे बेहद पसंद है, जी भर के देखना चाहता हूँ। मगर आपने दाम चश्मे तक के दिए। वो तुम्हें बख्श दिए। अजी वाह, बड़े आए बख्शने वाले, मुझे क्या भिखारी समझ रखा है आपने? जितने सफर के दाम दिए हैं उतना सफर करना ही पड़ेगा। मैं आगे नहीं जाऊँगा। गोपी मेरे पास आओ। क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए, ये रही मैं। आओ जरा यहाँ बैठे। आपको जो कुछ कहना है यही कह दीजिए। आओ ना, थोड़ी देर बैठेंगे। लीजिए मैं बैठ गई, फरमाइए। देख क्या रहे हैं आप, कहिए क्या कहना है? कुछ नहीं, चलो चश्मे देखने चले। भाई वाह, अभी दाम बख्शे जा रहे थे, अभी चश्मों की आंसू जी। अजी ये ना जो कहना है। तुम बहुत अच्छी हो गोपी। ये तो मैं जानती हूँ। मेरा मतलब तुम बहुत भोली हो। ये भी मैं जानती हूँ। आप वो बात क्यों नहीं कहते जो जी में है? कोई खास बात नहीं, बस तुम्हें अपने नजदीक चाहता। नजदीक हो जाए? नहीं गोपी, तुम काफी मेरे नजदीक हो चुकी हो। नजदीक होते हुए भी मुझसे दूर हुए जाते हैं, न जाने इतनी देर क्यों लगा दी है। रात हो गई, अभी तक उनका पता ही नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं क्या करूं चाची? आते ही होंगे बेटी, घबराने की क्या जरूरत। गोपी
क्या हुआ बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? ज्यादा तकलीफ है बेटी, मैं किशन को बुला रहा हूँ। नहीं, उन्हें मत बुलाइए, गाय को पहला बच्चा होने वाला है। तुम्हारे बाद अब कहीं चांद जैसे लड़के की शिकल नजर आई है, ईश्वर बड़ी उम्र करे। ये रुपए कैसे? ये बच्चे के मुंह दिखाई के दिए जाते हैं। अच्छा, चल भैया मुबारक हो बच्चे की। मुबारक, आप सबको मुबारक। मैंने कहा चांद जैसा बेटा मुबारक हो किशन भैया। नन्हे का शुक्र ना दोगी? हाँ, ऐसा नहीं कहा करते। अच्छा, गोपी नहीं दिखती, अच्छी तो है। इंदर बाबू सर के बाहर गई होगी, अभी आती होगी, नन्हे को देख के फूली ना समाएगी। भाभी देखिए ना कितना छोटा सा है। जीता रहे, मुबारक हो भैया। हमारे यही शगुन है। मगर यहाँ तो शगुन रुपए से करते हैं। हमारी यही खुशी है। भाभी कैसी है? ठीक है। सुना है तुमने, देखा है तुमने, सोने के हाथ और रुपए का लालच है, नहीं तो कौन जवान लड़की किसी के साथ अकेली भेजता है। अरे ये तो क्या, मैंने भी इंदर बाबू को गोपी के साथ प्यार करते हुए देखा है। शहर का बहुत लुत्फ आया है आज। मुझे भी, फिर चलिए क्या? हाँ जरूर चलूंगा, ये मुझे दे दो। जी नहीं, आप तशरीफ ले चलिए, ये मेरा काम, मैं भी आती हूँ। भैया यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ आओ गोपी। कहाँ? कह दे चुका हूँ, मेरे साथ आओ। चलिए आओ। मैं आगे ना जाऊंगी, पहले बताइए क्या बात है। नीचे वो अपनी बस्ती को देखो, देख चुकी। उस समाज को जानती हो जो बाजार के इस कोने पर बनी हुई है? हाँ? किस नाम से? सती की समाध कहते हैं उसे। क्यों, क्या बात है? चाहती हो तुम्हारी समाध भी बाजार के दूसरे कोने पर बनाई जाए? तुम्हारा मतलब? उस समाध के नीचे हमारे पिताजी की बहन की लाश है। ये पिताजी के पैदा होने से पहले का वाकया है कि हमारे गांव में एक परदेसी आया, परदेसी की सेवा करना, हम गांव वालों का खानदानी फर्ज चलाया है। वो हमारे घर में यूं रहता था जैसे कि वो हमारा ही बेटा हो। पिताजी की एक नौजवान बहन थी, वो उसको भी बहन कहा करता था। वो परदेसी की तरफ बेहद खिंची जाती थी, मगर उसके चले जाने के बाद क्या हुआ? वो मां बनने वाली थी, उसकी शादी में सिर्फ दो ही दिन बाकी रह गए थे कि घर वालों को मालूम हो गया। घर वालों ने उसे जहर दे दिया और उस समाज में सती के नाम से दफना दिया, ताकि खानदान वालों के लिए एक सबक बन के रह जाए कि वो सती नहीं कुसती है, पापन नीच। तब से हमारे खानदान में रिवाज चलाता है कि जब लड़की 16 वर्ष की हो जाती है उसे यह राज बताया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने पहले यह राज बता रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि तुम भी उसी तरह इंदर की तरफ खींची जा रही हो। क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ गोपी, मुझे तुम्हारे चेहरे और आंखों में मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। पास आ जाओ गोपी, परदेसी की मोहब्बत बुरी है, उस पर हमारे बुजुर्गों की आह है। बहन ने तुम्हारा दिमाग परेशान कर रखा है भैया। मोहब्बत मेरी आंखों में इंदर के लिए? तुम बहक तो नहीं गए जो ऐसी बातें अपनी छोटी बहन से कर रहे हो? बहका नहीं गोपी, इन हाथों से मैंने तुम्हें पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। वो ये खेल दोबारा इस घर में नहीं खेला जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए भैया? और वो गांव वाले भी जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? तुम्हारे और इंदर के नीच कर्म। आ गई गोपी, देखते हमारे घर में चांद का टुकड़ा उतर आया है। मेरा मुन्ना। ओ, 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 अपने नन्हे को गोद खिलाऊंगी, प्यारे मुन्ने को झूले झुलाऊंगी, छोटे किशन को गोद खिलाऊंगी। नजदीक होते हुए भी मुझसे दूर हुए जाते हैं। नहीं गोपी, तुम काफी मेरे नजदीक हो चुकी हो। तुम भी उसी तरह इंदर की तरफ खींची जा रही हो। ठीक कह रहा हूँ गोपी, मैंने तुम्हें इन हाथों से पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। मुझे तुम्हारे चेहरे और आंखों में मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। बाज आ जाओ गोपी, परदेसी की मोहब्बत बुरी है, उस पर हमारे बुजुर्गों की आह है। भैया! गोपी, मैं बहका नहीं, इन हाथों से मैंने तुम्हें पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। वो ही खेल दोबारा इस घर में नहीं खेला जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए भैया? क्या कर रही हो गोपी? मेरे साथ आइए। कहाँ? बाहर। क्यों? उठिए ना। नहीं गोपी, नहीं, नहीं तो मैं चीखूंगी, शोर मचाऊंगी। चल बाबा चल। और क्या बात? पीछे क्यों हट रहे हैं आप? मेरी तरफ देखिए। देख तो रहा हूं। आपने? तुम्हारा चेहरा। और कुछ? कुछ नहीं।
मेरी आंखों में देखिए, बोलिए इनमें कोई खास चीज नजर आती है आपको? जी क्या? यही कि ऐसी खूबसूरत आंखें देखने में बहुत कम आती है। नहीं नहीं, जरा गौर से देखिए, इनमें मोहब्बत तो नजर नहीं आती आपको? मोहब्बत? हाँ हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत देखने से थोड़ा ही दिखाई देती है गोपी। तो आप मुझे बता सकते कि देखने वाले को मोहब्बत कैसे जान? मोहब्बत एक पाक जज्बा है जो औरत को मर्द की तरफ और मर्द को औरत की तरफ खींचता है। मगर ये कैसे पता चल सकता है? आपने तो कई मरबा मोहब्बत की होगी, क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत की नहीं जाती गोपी, मोहब्बत हो जाती है। वो कैसे? बस यूं ही। और जिसे मोहब्बत हो जाती है उसकी रातें किसी के ख्याल में कट जाती हैं, दिन रात उसकी शक्ल आंखों के सामने रहती है, कानों में हमेशा उसी की आवाज गूंजा करती है, लब पर न जाने उसका नाम बार बार क्यों आ जाता है, दिल में एक दर्द सा होता है जो रोज बरोज बढ़ता रहता है, हत्ता कि वो एक मीठी सी याद बनकर रह जाता है, इसे कहते हैं मोहब्बत। तो भैया को बड़ी गलती हुई, मुझ में तो इनमें से कोई चीज भी नहीं, वो कहते हैं मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। झिझक कर गुफ्तगू करना है अपना राज कह देना, हाँ झिझक कर गुफ्तगू करना है अपना राज कह देना, इसी नाजुक से पर्दे में, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती, हाँ मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती, ज़बां खामोश है लेकिन, ज़बां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है, ज़बां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। आपकी तबीयत तो अच्छी है जो इस वक्त रात को अकेले घूम रहे हैं? मैं अकेला नहीं था, गोपी मेरे साथ थी। मुझे मालूम है। आपने गोपी को मुझसे मोहब्बत करने का झूठा इल्जाम क्यों दिया? झूठा? चलिए, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। आप समझते हैं मेरा इल्जाम गोपी पर झूठा है, तो फिर यह भी झूठ होगा।
कि आप गोपी से मोहब्बत करते हैं? खामोश क्यों हो गए? बोलिए, जाते कहां हैं आप? मुझे इसका जवाब चाहिए। गोपी नेक है, मासूम है और भोली है। और आपने उसके भोलेपन का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं रखी? क्या उन महजब शहरों में आपको मासूम लड़कियों को नेकी की राह से गुमराह करने का हुनर सिखाया जाता है? अपनी पच्चल निराश का सामान ढूंढने आप लोग इन पाक बस्तियों में क्यों आते हैं? शादीशुदा होकर एक शरीफ लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाते हुए आपके दिल में ईश्वर का डर नहीं आता? ना कहिए किशन भैया, मुझे गोपी से मोहब्बत। ये ईश्वर ही जानता है क्यों। आजा बालू मारे ना मेरी डर लगे। आजा बालू मारे ना मेरी डर लगे। आजा बालू मारे ना मेरी डर लगे। दुखिया जी आप कारे कित भागे ओ कित भागे। आजा बालू मारे ना मेरी डर लगे। आजा बाल मारे ना मेरी डर लगे। सुनी सेज मोहनी दिया ना आए तुम बिन पापी जिया मोरा कल नहीं पाए। सुनी सेज मोहनी दिया ना आए तुम बिन पापी जिया मोरा कल नहीं पाए। सब जग सोए एक मेरा जो जागे। आजा बाल मारे ना धेरी डर लगे। 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 दुखिया जिया पुकारे कित भागे ओ कित भागे। आजा बाल मारे ना धेरी डर लगे। आजा बाल मारे ना धेरी डर लगे। किशन भैया, हमारा हिसाब कर दीजिए, हम अभी यहां से जा रहे हैं। आपने इतनी जल्दी की गोपी से भी नहीं मिलकर आए। सुबह जब वो फूल लेकर आएगी हमें वहां ना पाकर क्या कहेगी दिल में? क्या कहेगी? यही कि हम इंदर बाबू तो अपना हिसाब चुकाकर सुबह होने से पहले ही शहर को वापस चले गए हैं। वापस चले गए हैं और मुझसे मिलकर भी नहीं गए। पहुंच डालो गोपी, कोई देख लेगा।
क्या कर रहे हो गोपी, मत तोड़ो उस फूल को। ये फूल तो मैं आपकी बीवी की चोटी के लिए जरूर तोड़ूंगी। मैं कहता हूँ मत तोड़ो, गिर जाओगी कहीं। गिर कैसे जाऊंगी, हर रोज तो यहीं से फूल तोड़ा करती हूँ मैं। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। उल्फत जिसे कहते हैं, एक झूठी कहानी है। उल्फत जिसे कहते हैं, एक झूठी कहानी है। जाते हुए क्यों तुमको इस दिल का ख्याल आता। जाते हुए क्यों तुमको इस दिल का ख्याल आता। तड़पा के चले जाना एक रीत पुरानी है। तड़पा के चले जाना एक रीत पुरानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। परवान के जलने पे हंसना न तमाशाई। परवान के जलने पे हंसना न तमाशाई। हंसती हुई शमा भी एक रात की रानी है। हंसती हुई शमा भी एक रात की रानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। हालत बहुत खराब है, इन्हें तो कोई पहले से भी ज्यादा सदमा हुआ है। पहाड़ पर जाते ही शायद ठीक हो गई थी डॉक्टर साहब, घर आते ही न जाने क्या हो गया। इस घर में मेरे बेटे पर किसी चुड़ैल ने जादू कर दिया डॉक्टर जी। कमाक और तिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैलेट को शाम को लाऊंगा, आपके बेटे इंद्र को दिखलाना है, उन्हें कोई सदमा हुआ है। कमाक पर बहुत बुरा असर पड़ा है, अगर यही हालत रही तो पागल हो जाने और जिंदगी खो बचने का डर है। आप मालिक हैं डॉक्टर साहब, जैसा ठीक समझे करें। नमस्ते। अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरा बेटा इंदर पहाड़ से सेहत पाकर आया था, फिर उसे क्या हो गया। अल्लाह, सकीना के बाबा कौन, बहू रानी? हाँ, मैं वही हूँ बदनसीब बाबा, वादा करो मुझे माफ कर दोगे। माफ कर दूँ मैं? क्या बात है बेटी, मुझसे माफी कैसी? उनके रोग का कारण मैं हूँ। मैं? वो कैसे बेटी? यही नहीं बल्कि सकीना की मौत ही इन जलील हाथों से हुई है। जो नौजवान औरत बीमारी की हालत में सकीना को हमारे घर लाई थी, मैंने उसे सकीना समझा और जलकर मासूम सकीना को न जाने क्या समझा, उसे चाटा मारकर घर से निकाल दिया, उसे भी बहुत बुरा भला कहा।
वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी बेटी। सकीना तो इंदर की जिंदगी थी। उसी दिन से उनके दिल में एक रोग सा लग गया। न मेरी शक्ल भाती थी, न मेरी बात। पहाड़ पर एक छोटी सी भोली लड़की गोपी ने उनके दिल में सकीना की जगह भर दी और उनकी सेहत दिन ब दिन ठीक होने लगी। मुझसे भी हंसने खेलने लगे। फिर क्या हुआ बेटी? गोपी को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। अगर गोपी यहाँ आ जाए तो ये एक मेरे मुंडे रे ना बोल जा का जा। मेरे मुंडे रे ना बोल जा का जा। दिल परदेसी न जाने का है पीर पराई। ओ पत्थर दिल परदेसी न जाने का है पीर पराई। अपनी तो ये बात हुई है दिल भर आया आग भराई। अपनी तो ये बात हुई है दिल भर आया भराई। सांझ सवेरे मन यही बोले अरे सजनवा जा का जा। मेरे मुंडे रे ना बोल जा का जा। प्रीत की बाजी हारी हमने, प्रीत की बाजी हारी हमने। तोड़ दिया हमको अब गम ने, तोड़ दिया हमको अब गम ने। ओ परदेसी तेरा बिगड़ा क्या जा का जा। मेरे मुंडे रे ना बोल जा का जा। बीस दिन से ना कुछ खाया है ना पिया। बस वो फूल का झाड़ है और तू है, टिक टिके लगाए देखा करती हूँ उधर। किशन भैया से गोपी, तू नहीं जानती कि मुझे कितना दुख है। जब तू नन्ही सी थी तो मैं तुझे गोद में उठाकर हर रात को सुलाया करता था। आओ आज फिर उसी तरह सुला दूं मेरी बहन। आओ भी ना।
शरीफ भैया, किशन भैया। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। आप कुछ भूल गई थी क्या? तो फिर वापस लौट आई हैं? हाँ। गोपी कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। वो सो रही है। जगा दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है उससे। उसे सोने दीजिए, जो कुछ काम है मुझे बताइए। मैं उसे लेने आई हूँ। लेने आई? 20 दिन के बाद आज उसकी आंख लगी है और आप फिर वापस आ गई हैं। उसे वही याद दिलाने जो मैं चाहता हूं कि वो भूल जाए। मेरे पति की जिंदगी का सवाल है किशन भैया। वो बीमार है और मर्ज रोज रोज बढ़ता जा रहा है। पागल हो जाने और जिंदगी को बैठने का डर है। मुझे इससे क्या, मेरी इकलौती बहन जिसे मैंने फूल की तरह पाला है उसकी जिंदगी खो बैठने का डर है। आप चली जाइए, मुझसे ये ना हो सकेगा। ये जानते हुए चाहते हो कि दो पाक हस्तियां अलहदा रहकर मौत का शिकार हो जाए? चाहते हो कि तुम प्यारी बहन खो बैठो और मैं देवता स्वरूप पति? मैं अपनी इज्जत से नहीं खेल सकता। तो क्या मैं अपनी इज्जत से खेल सकती हूँ? आप भूलते हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ और मैं गोपी को लेने आई हूँ। कभी कोई बीवी किसी गैर लड़की को अपने पति से मोहब्बत करते नहीं देख सकती? क्या आपकी बीवी ये बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। तो मुझे अपनी बहन समझो और मेरी झोली भर दो किशन भैया। गोपी, गोपी उठो, उठो ना गोपी। देखो तो कौन आया है। ओह, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? तुम्हें गोपी? मुझे? क्यों गोपी बहन, न जाने उनकी सेहत को क्या हो गया है। जब से यहाँ से गए हैं सब बीमार हैं। ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। डर है कि कहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई वैद्य या हकीम नहीं। गोपी बहन, तुम सब कुछ कर सकती हो। उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करते हैं। मेरे साथ चलकर उनसे इतना कह दो कि तुम उनके लिए आई हो। फिर वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ कह दो मेरी बहन, और मैं अपने भैया की इज्जत को खाक में मिला डालूं? नहीं नहीं गोपी, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ और इस मेरी बहन के सुहाग का सिंदूर बनकर रह जाओ। जब इंदर बाबू की सेहत ठीक हो जाए तो घर लौट आना। जाओ गोपी, तू आओ भी ना। आओ देवी। गोपी, यहाँ सब लोग तुम्हें देवी समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम आते ही उन्हें अच्छा कर दोगी। कहीं भूले से भी अपने पवित्र प्रेम का जिक्र न करना। यहाँ के लोग हर जज्बे को बुरी नजर से देखते हैं। ये रहा उनका कमरा। जाओ बहन। गोपी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? आपका इलाज करने। मेरा इलाज? किस बात का? मैं तो अच्छा भला हूँ। तो क्या आपने बीवी से झूठ कहलवा कर मुझे यहाँ बुलवाया है? कोई कसर बाकी थी अभी? किस बात की? मैं बदनाम और जलील करने की। वो कैसे? हमारे यहाँ से मुझे मिले बगैर चले आना जिल्लत से कम था क्या? मेरी शराफत ने मुझे ऐसे ही करने पर मजबूर किया गोपी। शराफत?
शराफत उस वक्त याद ना आई आपको जब इतना समूह बनाकर कहा था गोपी तुम मेरे काफी नजदीक हो चुकी हो, गोपी तुम बहुत अच्छी हो, गोपी तुम बहुत भोली हो। मैं पागल थी किशन भैया की एक न माने, वो ठीक कहते थे परदेसी से दूर रहो गोपी। आपने साफ क्यों ना कह दिया कि आपको मुझसे कुछ ऐसी मोहब्बत थी और आप मेरे भोलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसा ना कहो गोपी, मुझे तुमसे मोहब्बत थी और अब भी है। मोहब्बत थी और अब भी है तो उठिए घर वालों से कह दीजिए कि हम एक दूसरे के हैं। तुम गलती पर हो गोपी, मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं। तो कैसी है फिर, बाजारी, ताकि मैं आपकी बदकारी और बदचलने का शिकार बन जाऊं? थू है, धिक्कार है ऐसी मोहब्बत पर जो शरीफ जादों को भोगी कुत्तों से भी बदतर बना दे। गोपी, किसे भी नहीं, चुड़ैल निकल जाओ मेरे घर से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर कहता हूँ कि पहाड़ में तुम्हारे भाई ने बदकारी का अड्डा खोल रखा। पिताजी खामोश, जहाँ तुम शरीफ सरदों को फांसकर रुपया कमाना चाहते हो। एक शरीफ लड़की पर बहाना ना लगाइए पिताजी। और तुम हमारे खानदान को पट्टा लगाने से पहले मर ही क्यों ना गए, खड़ी क्या देख रही है चुड़ैल, निकल जा मेरे घर से, चल। बेशर्म कहीं की। गोपी, गोपी बैठे रहो जी। खड़ी क्या देखती है, जाती क्यों नहीं चुड़ैल? माता जी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गोपी, इंद्र बाबू ठीक कहा था तुमने, देख ली तुम्हारी शहर की दुनिया, जहाँ आजकल की तहजीब ने कुदरत का नक्शा ही बदल डाला है, जहाँ गरीबों के खून से नहीं बल्कि उनकी इज्जत से भी होली खेली जाती है। गरीब की आह से डरो, चलाकर खाक कर देगी। निकल जा चुड़ैल, तू कौन मेरे बच्चे को बदअसीस देने वाली, निकल जा यहाँ से। गोपी भैया, यहाँ क्या लेने आए हो तुम? बस यही सोचते हुए कि मैं भी इंदर बाबू के सेहत पूछूं, मैं आ गया। तुम झूठ कह रहे हो भैया। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ गोपी, और जिस बात का मुझे डर था वही होकर रही। रूपा बहन के साथ तो मैंने तुम्हें इसलिए भेज दिया था कि मैं इंदर बाबू की सेहत ठीक कर दूं। मैं कोई हकीम थी क्या? तुम और रूपा ने यह ना सोचा कि गोपी के सीने में जो दबी हुई आग है वो भड़क उठेगी? चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना कहो गोपी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा कहा मान लो। क्या मान लूं? यही कि मेरे साथ घर चलो, वहां तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त किया है। आओ, तुम्हारी इस बचपन की गलती को खानदान की इज्जत और सबकी खुशी में बदल डालें। किशन भैया तुमसे भीख मांगता है गोपी, मान जाओ है ना गोपी? गोपी है ना गोपी? सुंदर नजर आ रही है मेरी गोपी। ऐसा ना कहो, कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए। पगली, अपनों के लिए कभी नजर लगती? अरे मैं इसके माथे का नया झूमर और झुमके तो भूल गया है, अभी लाता हूँ। अरे सुन, तू इसे जल्दी तैयार कर दे, बारात आती ही होगी। बालम तो पे सब्र पड़े है मोराए, मैं का छुड़ाए तीनों राम मोराए, मैं का छुड़ाए तीनों राम। बालम तो पे
सबर पड़े मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम जान पड़ा बोहे देश पराए छोड़ के बाबुल गाम मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम गोपी कहाँ जा रही है गोपी कहाँ जा रही है पागल हो गई क्या यहाँ क्या लेने आए हो लेने नहीं तुम्हें मिलने आया हूँ गोपी मेरे नजदीक आओ मैंने कहा उठे क्या है गोपी भाग गई है मैंने बतौरा समझाया मासी ने भी बहुत रोका मगर उसने एक नहीं मानी इंदर की आवाज सुनते ही भाग गई अब जबकि इन हाथों में मेहंदी लग चुकी है और मैं किसी की होने वाली बीवी हूँ तुम आए हो दबी आग सुलगाने किसी शरीफ लड़के की इज्जत को क्या समझ रखा है तुमने खिलौना जब चाहा जी बहला लिया और जब चाहा ठुकरा दिया चले जाओ यहाँ से चला ही जाऊंगा गोपी मगर जो कहने आया हूँ कह तो लो जो लड़की दिल के हाथों लुट जाती वो कहीं की नहीं रहती मेरे नजदीक आओ गोपी मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है मैं कहती हूँ चले जाइए कहीं किशन भैया ना देख पाए चला ही जाऊंगा लेकिन मेरी बात को सुन लो क्या सुन लो यही कि मैं और रूपा तुमसे गलत करने की बात मानी है और तुम्हारी शादी को मुबारक देने के लिए आए और तुम्हारे लिए ये हार मत छुआ मुझे तुम्हें पागल बना दिया किशन भैया क्या तुम इतना भी ना समझ सके कि एक शादीशुदा आदमी दूसरी औरत से कैसे प्यार कर सकता है और उसे क्या हक है प्यार करने का रूपा और मैं तो उसकी शादी में शामिल होने के लिए आए थे और किशन भैया ने जैसा कहा था गोपी की समाध बाजार के दूसरे कोने पर बन गई।